उठा ले जो तेरा दिल करता है। घर में लड़ाई चलवा बाहर कहाँ थोड़े कपड़े माँ खो सी रही है। ये अच्छा है वैसे। तो मामले में मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ वसीम शहजाद, वेलकम टू ए न्यू वीडियो। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, ज़बरदस्त होंगे, सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। तो इसी के साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैंने थोड़े से ना दो तीन वर्ड एक्स्ट्रा ऐड किए हैं आपकी खैरियत आफियत जानने के लिए, क्योंकि ना आज ना बस एक्साइटमेंट का लेवल इतना हैवी है, क्योंकि ना मौसम इतना प्यारा मज़ेदार हो गया ना कि बस ना खुशी अंदर समाई नहीं जा रही। तो इसलिए मैं अभी छत पर ही आया था, बादल छाए हुए हैं, ऐसे लगता है कि आज बारिश आएगी, तो उसी का इंतज़ार कर रहा हूँ, हो जाए रोज़ा थोड़ा सा और फ्रेश हो जाए। और दूसरा ये कि आज मेरी प्रेजेंटेशन थी और अभी प्रेजेंटेशन दे के ही उठाऊँ, तो जब तक तो प्रेजेंटेशन नहीं हुई हर तरफ गर्मी फील हो रही थी कि कैसी होगी प्रेजेंटेशन, कैसे दूंगा, सर क्या पूछेंगे, कैसे सर को मैं जस्टिफाई करूँगा क्वेश्चन वगैरह, सब कुछ मतलब माइंड में जो होता है स्टडी के रिलेटेड। तो एक तो वैसे ही बंदा नर्वस हो जाता है टीचर के सामने जाके, जब कुछ आता हो तो भूलने लगता है। तो अभी प्रेजेंटेशन ख़त्म हुई है, फुल लंबी सांस ली है, सारी गर्माइश अंदर की निकाली और अभी छत पे आया हूँ। इधर ये जो हमारे जामुन है ये देखें, बुरा लगा हुआ है, अब तो जामुन भी निकल रहे हैं, लेकिन ना फिर भी इनको कुछ ना कुछ बीमारी लग गई, स्प्रे भी किया था इन पर फिर भी असर नहीं हुआ, पता नहीं क्या मसला है। चलो कोई नहीं, खाने लायक तो बन ही जाएंगे ना। मजदूरों ने चाय पी है, कॉपी इधर ही पड़े हैं, ये भी नीचे ले जाने पड़ेंगे मुझे अब। ओए ओए। मौसम की खुशी में जा यार, कब तू क्या याद रखेगा, तुझे मैं ही नीचे ले जाऊंगा आज। सूरज कहाँ पे है, यहाँ पे बिल्कुल ना, वहाँ पे छुपा हुआ है, छुपा ही रहा यार तू, दो तीन दिन ना मज़े आ जाएंगे। अच्छा गाइस, तो अभी हम जा रहे हैं जी अपने टाउन और वहाँ से हमने लेने हैं जी जूते सहार के लिए, क्योंकि ना थोड़े थोड़े करके हम खरीद रहे हैं, पैसे के ना बस फील कम होते हैं। कल परसों हम कपड़े खरीद के लाए थे, अभी तो उसके जूते खरीद लिए। ये क्या कोई ढंग का काम कर लिया, अगर कभी तो कर लेगा तो मैं कह सकूँ कि मुझे तुम पे गर्व है। इसका पेज कस लेना, ये यहाँ से टूटा हुआ है, ये अब ऊपर से टूट गया। चल चले, पैसे है ना। नहीं, पैसे पैसे वाला काम हमने कभी नहीं किया भाई, मेरे पास भी खत्म हो गया, अगले दिन लेके भाई मुनावर से ले लेते हैं। अभी मैंने कल परसों बहुत शॉपिंग करवा दी है, पैसे हमारे पास ना कुछ दिनों से नहीं, कल परसों से खत्म हो गए। अभी भाई मुनावर से जूते के लिए पैसे ले लेते हैं और जूता ले आते हैं। हाँ जी, पैसे दें सार के लिए जूते ले रहे हैं, मेरे पास तो हो गए खत्म। अच्छा, तो दे दे ही खत्म रहते हैं, पकौड़ों के लिए भाई से समोसे खाने। तो मैंने सुना है कि दुकान का काम हो रहा है। चलो बनाओ बनाओ। हाँ ना, व्यूअर्स भी कह रहे थे कि दुकान की सेटिंग कर, दुकान है ना, अब इसको ना पेंट पुंट करके ना हैवी चीज बना दें, ठीक है, सेटिंग करते हैं। तो अभी हम शॉप पे आ गए और जूते देख रहे हैं। ये अच्छा है वैसे, ये अच्छा है, ये नहीं मुझे तो ये ज्यादा सिंपल सा लग रहा है, सॉफ्ट है ये भी अच्छा है, ये भी सही है, यही मैं तो कहता हूँ, छोटा ना हो। जूते जो है हम अपने लेने सार के लिए लेने आते हैं और इसको अपनी बढ़ गई है, मुझे हर चीज की कमी है। जाति की भी कह रहे हैं कमी। अस्सलाम वालेकुम, आपने ना हमारे घर में लड़ाई चलवा दी। देखिए आपके सामान निकल रहे हैं, ये आपने लगाए यार, अब जो लाइट्स लगा के आए थे वो फिर बंद हो गई हैं। एक लाइट आपकी बंद हो, हम तारीफें करते रहे हैं कि भाई मिस्त्री हम बड़ा दूर से ले जा रहे हैं, आपकी तरफ भी जा रहे हैं। ये अभी जो कुछ सामान रहता था हमारा ना बिजली का, तो अभी भाई फिर आ रहे हैं लगाने के लिए। इधर से एक उठा ले जो तेरा दिल करता है। आज हमने ना दूसरे वाला लिया, ये जो ग्रीन वाले हैं, वो ग्रीन वाले नहीं लिए, वो उधर पड़े हुए। ये मुझे सार के जूते भी और ये तरबूज भी, तरबूज 12 किलो का है और उस दिन जो हम लेके आए थे ना 4 तरबूज लेके आए थे, 350 के मिले थे और ये 250 का मिला, कितना डिफरेंस है। ये जूते चेक कर लें, और सार सदाकत भी अपने लेके आ गया घर में पहने के, ये सही है। अम्मा जी पता नहीं आज फिर की औजार उठा के बैठी हैं, क्या कर रही हैं।
ओए ओए बड़ा थक हो जाता बंदा पहाड़ के ना पढ़ना बड़ा मुश्किल है तुसी आंदे आसान है असल में ना अब्बा जी पहनते हैं वो पत्नी कलियां अम्मा कह रही हैं मुझे तो नहीं पता अब क्या होगा इनकी साइंटिफिक टर्म्स हैं वो जो यहाँ पे एक लाइन बनी होती है दूसरी इस तरफ से होती है और बाजू में ना कफे भी नहीं लगाते अब्बा जी तो अम्मा जी शुरू से ही ना यानी कि जब अम्मा जी और अब्बा जी की शादी हुई थी उस वक्त भी अम्मा जी खुद सी के देती थी ऐसे ही है हा? तो अब भी वही सीन है तो अम्मा जी खुद ही सिलाई कर रही हैं और वो सारा ना मशीन वगैरह भी निकाल के बैठी हैं दर्जी के पास अगर लेके जाते ना तो पहली बात तो वो इस तरह के सीते नहीं है अभी तो सी के भी देते तो वो कहते कि ईद के बाद हम सिलाई करके देंगे तो अम्मा खुद अच्छे खासे कपड़े सी लेती हैं तो इसलिए ना खुद ही आ सिलाई मारनी है अब्बा जी भी इधर आ गए हैं हाँ जी मुबारक हाँ थोड़े कपड़े अम्मा खुद सी रही है भाई हाँ इसे तरह सी दे में लैब इंस्ट्रक्शन आ गई हैं सिलाई मार दियो नमाज घट हो जाए तो कोई डर नहीं हाँ फैशन नहीं कम होना चाहिए अच्छा इसी तरह के सिलाई करना तो इसमें तो कन्ने नहीं बनाने ना मतलब कन्ने नहीं बनाने बस ठीक हो गया हूँ तो फिर बाकी आसान हो गया चलो मारो सिलाई फिर आज भाई पुरानी यादा ताज़ा कर रहे हैं बह के हैं ये शहरी आज फिर ट्रैक्टर ट्राली ले लिया इसने हैं नई गाड़ी ले ली है बेलचा किधर है इसका बेलचा मिट्टी तो मिट्टी पे जाके खेलो ना यहाँ पक्की सड़क पे खेल रहे हो मिट्टी भरो वहाँ से वो कच्ची मिट्टी नहीं भरनी ये देखो सारे पाँव भी गंदे किए हुए तुमने तो शाम होने वाली है मतलब कि अफ्तारी में ऑलमोस्ट घंटा रह गया और सीन कुछ ये है कि जो मैं जूते खरीद के लाया था वो भी छोटे निकले हैं हम कह रही है वो चेंज का जूतों के ना वो लीर जो एक हम लेके गए थे जी टाकी बना के वो ना पे मैच करके वो करके भी ले आए फिर भी छोटे जूतों के मामले में मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं है और दूसरी बात और आज आए थे लाइट ठीक करने वाले वहां पे मैंने आपको दिखाया था उन्होंने कुछ खराब करके गए ठीक कुछ नहीं किया इतना इरिटेट हुआ ना बंदा कुछ लाइट्स जो बिल उन्होंने लगा रहे हैं वो उल्टा ना खराब करके गए हैं मैंने ना उनको भेज दिया असल में मसला पता क्या हुआ है जो मेन उस्ताद था ना समझ ले वो अभी नहीं आया वो उसको अपने अभी कॉल किया कि सुबह के भाई मिन्नत ही करके जाओ इरिटेट करता वो ना लाइट्स जल्दी बुझती इतनी कोई इरिटेशन होती है शदीद वाली ना हमने कहा भाई वो ठीक कर जो सुबह के तो कल आ रहा फिर उसको अभी कॉल के मैंने फर्स्ट टाइम ना कहीं जाना है तो वहाँ से जल्दी आ जाओ मुझे कहा कि बेशक जुम्मे के बाद आ जा आगे कर जा कल तो कल वो आएगा ठीक करवाएगा अभी मैंने जाना है जी जूता चेंज करवाने सार का फिर से चक्कर लगाना पड़ेगा अब मैं थोड़ा एक नंबर बड़ा लेना ना हाँ जी तो अभी मैं उधर जा रहा हूँ फिर आके इफ्तारी करनी है टाइम हो जाएगा तब तक तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं मुझे इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़।